दोस्तों आज हम हम बात करने वाले हैं कि आपके जो पैरेट है वह बार बार क्यों बीमार पड़ते हैं और इनके क्या, इनका क्या बचाव है हम इनकी केयर कैसे करें ताकि हमारे जो बर्ड्स हैं वो बार बार बीमार ना हों और हेल्दी रहें तो दोस्तों शुरू करते हैं अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको पहले ही मिल जाए तो दोस्तों कौन कौन सी चीज़ है जिसमें आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो पैरेट है वह बीमार है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने पैरेट या बर्ड्स को अपने सारे हेल्दी पैरेट से सेपरेट कर दें और इनकी जो डाइट का भी ध्यान रखें कि आप उनकी डाइट को अच्छी तरह ध्यान रखना है ज़रूरी है दोस्तों इस वीडियो में जान जो जानकारी है वह मैं सारी बताऊंगी ताकि दोस्तों आपका जो एक एक पॉइंट है वह मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको सारी वीडियो की जानकारी मिल जाए और इसी तरह आप अपने बर्ड्स या पैरट को ध्यान रखें जो जल्दी से जल्दी हेल्दी हो जाए और रिकवर कर ले तो दोस्तों सबसे पहले जो बीमार बर्ड्स या पैरट्स होते हैं उनका जो स्वास्थ्य जो स्वस्थ पक्षी होते हैं उनसे अलग कर दीजिए और कुछ समय तक बीमार पक्षी को जो है हेल्दी पक्षियों से के साथ ना रखें अगर बीमार जो बर्ड्स है पैरट्स है क्योंकि वह डिस्टर्ब हो जाता है और जब वह डिस्टर्ब हो जाता है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है तो दोस्तों जब बीमार पैरट या बर्ड जो होते हैं उसे अब आप बड़े सॉफ्ट तरीके से बात करें इससे बर्ड्स को अच्छा लगेगा और वह रिकवर भी जल्दी करेगा आप कोई साइलेंट अच्छा सा कोई नॉर्मल सा डिसेंट सा सॉन्ग भी लगा सकते हैं जिससे वह सुनकर अपने आप को अच्छा महसूस करे और सॉन्ग सुन के भी वह जल्दी रिकवर करते हैं और आप अपने बर्ड्स से बात करें सॉफ्टली सॉफ्ट तरीके से इससे भी वह बहुत जल्दी रिकवर करता है तो दोस्तों जब आप कोई बर्ड्स हो उसे सॉफ्ट टॉव अगर वह बीमार है तो उसे कोई कुछ सॉफ़्ट टॉवल या कपड़े में रखें उसे बहुत ही अच्छा लगेगा और उसे थोड़ा वॉम फील होगा और इससे वह बेटर फील करेगा तो दोस्तों जो पैरट होता है उसका जो रूम टम्परेचर होता है वह इक्कीस से तीस तक होना चाहिए इस टम्परेचर पर पैरट काफ़ी अच्छा महसूस करता है रूम का जो टम्परेचर है वह इक्कीस से तीस रखने के लिए आप पीला पीले रंग का बल्ब भी लगा सकते हैं हीटर भी लगा सकते हैं ब्लोअर भी लगा सकते हैं इससे आपके पैरेट को अच्छा महसूस होगा और वह रिकवर जल्दी करेगा दोस्तों जो बीमार बर्ड्स होते हैं उनकी जो डाइट होती है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वह खाना तो खाते हैं वह खाना तो खाते नहीं हैं तो आप क्या करें कि गुनगुने पानी में सैरलिक्स जो होता है उसे अच्छी तरह मिक्स करके सीरेंज में पाँच एम अपने सीरेंज में उसको भर कर आप अपने पैरेट को खिलाएँ और दोस्तों बीमार जो बर्ड होता है उसकी जो आंखें हैं वह अंदर की तरफ धंस जाती हैं वो जो होता है वह डिहाइड्रेशन की वजह से होता है इसलिए आप अपने पैरेट को ओ आर एस का घोल भी पानी में मिक्स करके पिला सकते हैं जिससे वह डिहाइड्रेशन से बच सके तो दोस्तों पैरेट जो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पिएगा उससे उतना ही अच्छा रिकवर करेगा इसीलिए जो बीमार बर्ड्स होते हैं उन्हें हम ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में ही डाइट देते हैं इससे वह जल्दी रिकवर करता है और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें थैंक यू